16 अगस्त 1947 तो इट्स अ गुड मूवी, ऑल्दो मैंने ज्वाइन लेट किया था बट आई कुड गेट दी सेंस ऑफ द मूवी। और इसमें जो डायरेक्टर राइटर है पवन कुमार जी, आई थिंक इज डन अ गुड एफर्ट। और भारत का अभी जो 75वां साल आ रहा है, जो हम लोग मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो उस टाइम ये मूवी आना इट्स मेक्स इट मोर रेलेवेंट। ब्रिटिश जो चले गए हैं, अभी काफ़ी वीडियोस चलते हैं आजकल की ब्रिटिशर्स हैव डन लॉट ऑफ बैड थिंग्स व्हेन दे वर इन इंडिया, तो उसी के ऊपर एक डिपिक्शन है एंड इट्स अ गुड मूवी। एंड स्टोरी लाइन कैसे लगी आपको, स्टोरी लाइन के बारे में? स्टोरी लाइन अच्छी है मूवी की, बट आई डोंट नो बिकॉज ऐसा हम लोग ने हिस्ट्री में स्कूल्स में तो नहीं पढ़ाई है सर, लेकिन कुछ हुआ होगा इंसिडेंट, स्ट्रे इंसिडेंट समवेयर डाउन साउथ है ना, जो दिखाया है इन्होंने तो वो ठीक है मूवी। और बेसिकली वही दिखाया है कि जो शोषण होता है इन सबको, इन्होंने स्लेव्स बनाया हुआ था, उनके गले में वो एक यू नो चेन टाइप की बांध रखी है, उसमें स्लेव का बिल्ला। तो फ्रीडम के बाद भी जब आज़ादी मिल चुकी है उसके बाद भी वो लोग अंग्रेज छोड़ के नहीं जाना चाह रहे हैं अपना। और जो जस्टिन कैरेक्टर है, ही इज़ डन सच एन जस्टिस टू वुमेन अक्रॉस एवर कंट्री, तो बहुत ही अच्छी मूवी है। एक्टर जो है ही इज़ डन अ ब्यूटिफुल जॉब, जो परम का रोल निभा रहे हैं, आई थिंक ही शुड गेट ऑल मतलब पॉसिबली एन ऑस्कर अवार्ड ऑल्सो, एंड आई वुड गिव इट 4 stars। क्या लग रहा है सर, इंडियन ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाएगी? नहीं, क्या नॉर्थ इंडिया में है हम लोग, तो नॉर्थ इंडिया में तो अब पर्सनली सिंस आई एम इन मीडिया सो आई एम कमिंग टू वॉच दिस मूवी, बट अदरवाइज शायद मैं इस मूवी को टिकट देख के नहीं आता, क्योंकि नॉर्थ इंडिया हम लोग और कुछ मूवीज़ के लिए जाते हैं, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। बट साउथ इंडियन ऑडियंस भी काफ़ी है उनकी, सो दे विल आई थिंक इट विल हिट द बॉक्स ऑफिस। गाने कैसे सर मूवी के गाने? हाँ बहुत अच्छा है, इट्स वेरी प्लीजिंग, बड़ा अच्छा है, वेरी नाइस। फर्स्ट हाफ ज़्यादा एंगेजिंग है या सेकंड हाफ? नहीं, फर्स्ट हाफ तो इनफैक्ट एट इंटरमिशन लेवल तो लग रहा था कि शायद ख़त्म हो गई है, बिकॉज वो आज़ादी हम लोग को मिल चुकी थी, बट सेकेंड हाफ इज़ वेरी मतलब द रियल जो उनका जगाया है ना, जो इंसान का एक वो गुरूर है, उससे आप सैटिस्फाइड है जो एंड हुआ है इस मूवी का? हाँ हाँ परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है, एंड सही हुआ। हाँ ऐसे ही, बिकॉज दे हैवर द ब्रिटिशर्स जो उस जमाने में थे, दे रियली डिड इनजस्टिस टू इंडियंस, तो वो जो क्विट इंडिया मूवमेंट था ये सब, वो सब नहीं है जो नेचुरल हम लोग ने हिस्ट्री में पढ़ा, बट इट्स अ वेरी गुड मूवी। कितने स्टार देंगे सर? 4 stars देना चाहूँगा।